हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल हाई फाई स्टडी में। तो दोस्तों, पिछले क्लास में हम बिट सर्किल से रिलेटेड टेंजेंट यानी स्पर्श रेखा वाला पूरी कॉन्सेप्ट हम पढ़ लिए थे। आज उस कॉन्सेप्ट पे बेस हम क्या करने वाले हैं, क्वेश्चन आंसर बनाने वाले हैं। तो कॉन्सेप्ट पढ़ लेने से नहीं हो जाता है, उसका प्रैक्टिस करना भी बहुत जरूरी है। क्वेश्चन के साथ उसका प्रैक्टिस भी बहुत जरूरी है। तो चलिए हम देखते हैं आज का पहला प्रश्न हमारा क्या कहा गया है। 6 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त के केंद्र से 10 सेंटीमीटर की दूरी से खींचे जाने वाले स्पर्श रेखा की लंबाई क्या है। तो पहले वृत्त का क्वेश्चन है, तो पहले आपको तो फिगर बनाना पड़ेगा। चलिए, हमारा वृत्त हो गया। इस वृत्त में क्या कहा कि 6 सेंटीमीटर त्रिज्या वाला, कोई 6 सेंटीमीटर का त्रिज्या है, तो ये केंद्र ओ हो गया, ये हो गया हमारा 6 सेंटीमीटर का त्रिज्या। 6 सेंटीमीटर त्रिज्या वृत्त के केंद्र से 10 सेंटीमीटर की दूरी से खींचे जाने वाले स्पर्श रेखा की लंबाई क्या है। 10 सेंटीमीटर की दूरी से खींचे जाने वाले स्पर्श रेखा की लंबाई क्या है। तो मान लेते हैं कि ये स्पर्श रेखा है और केंद्र बिंदु से 10 सेंटीमीटर की दूरी से खींच दिया गया है, ठीक है, खींच दिया गया। और 6 सेंटीमीटर त्रिज्या हो गया और ये 10 सेंटीमीटर ये लंबाई है और ये हमारा क्या हो गया, ये हमारा स्पर्श रेखा हो गया। तो ये हम मान लेते हैं पी और इसको मान लेते हैं क्यू। इस हिसाब से हमारा क्या होता है वो आप देख लीजिए। ओ पी क्यू एक प्रकार का त्रिभुज बना लिया और आपको बता चुके हैं कि त्रिज्या जो होती है स्पर्श रेखा के साथ 90 डिग्री की कोण बनाती है। यानी इस तरह से हम देख क्या रहे हैं कि इस तरह से एक संपूर्ण त्रिभुज बन जा रहा है। ये 6 हो गया, ये 10 हो गया, तो ये क्या हो जाएगा, ये ओ है, ये पी है, ये क्यू है। तो संपूर्ण त्रिभुज में क्या होता है, ये लंब हो जाता है, ये कर्ण हो जाता है। हमसे आधार पूछा गया है पी क्यू, तो PQ बराबर क्या होता है आपको पता ही होगा, अंडर रूट OQ का स्क्वायर माइनस की OP का स्क्वायर। ऐसे भी जब आपको हम त्रिभुज बताए थे, समकोण त्रिभुज बताए थे, तो उस समय में ट्रिपलेट बताए थे आपको हम। ट्रिपलेट क्या होता है वो बताए थे आपको हम कि 6, 8, 10 ये मिलकर के एक समकोण त्रिभुज का भुजा बनाता है। तो इस हिसाब से 10 का स्क्वायर माइनस 6 का स्क्वायर अंडर रूट में ये हो जाएगा 100, माइनस का ये हो जाएगा 6, 1, 36। तो यहाँ से क्या बचने वाला है, अब रूट अंदर बचने वाला है 64 और इसका कितना हो जाता है 8। तो इसका आंसर सही हो जाएगा 8, यानी स्पर्श रेखा की लंबाई 8 हो जाएगी। ठीक है, चलते हैं अगला क्वेश्चन की तरफ। नंबर क्वेश्चन में एक चित्र दे दिया गया है, कहता है कि चित्र में जीबा ए बी की लंबाई क्या होगी। हमसे ये ए बी पूछा गया है, ये यहाँ से यहाँ तक पूछा गया है कितना होगा। सो आपको हम बताए थे कि जब एक स्पर्श रेखा को कोई एक लाइन वृत्त को काटते हुए मिलती है, स्पर्श रेखा से कोई एक लाइन वृत्त को काटते हुए मिलती है, तो इस सिचुएशन में क्या होता है। आपको रिलेशन बताए थे बेसिक क्लास में कि पी क्यू का स्क्वायर बराबर जो होता है ए पी आगुने बी पी होता है। पी क्यू का स्क्वायर जो होता है, स्पर्श रेखा का जो स्क्वायर होता है, ये बड़का होता है और उसके साथ गुना में एक बार छोटका होता है। ए पी को बड़का बोल दिए, पूरा बड़ा यहाँ से वहाँ तक है, बी पी छोटका है, इसलिए इसको बी पी बोल दिए। तो पी क्यू का स्क्वायर मतलब कि 12 का स्क्वायर ही हो जाएगा। ए पी हमको चाहिए, देखिए ए पी पूरा हमको नहीं दिया गया, हमको केवल इतना दिया गया है, ये एक्स है और ये जो है 8 सेंटीमीटर दे दिया गया है, बी पी 8 दे दिया गया है। तो ए पी के लिए हम क्या कर सकते हैं, ए पी के लिए हम करेंगे कि 8 आ प्लस एक्स, यही ना करेंगे 8 आ प्लस एक्स कर देंगे आ गुना। बी पी कितना दिया गया है, तो बी पी 8 दे दिया गया है। इस हिसाब से अब हमारा ये क्या हो जाएगा, तो इधर 144 हो जाएगा, आई 8 के 64 हो जाएगा, आ प्लस के 8 एक्स हो जाएगा। इसको जरा इधर बढ़ा लेते हैं, तो इसको घटा लेंगे 144 में 64 को, तो ये 0 हो जाएगा, आई 14 6 हो जाएगा, तो 8 हो जाएगा, आ बराबर के 8 एक्स हो जाएगा। इससे ये कट जाएगा 10 बार में, यानी कि एक्स बराबर कितना हो जाएगा 10, आ सेंटीमीटर में देगा तो सेंटीमीटर में लिख देंगे। तो ये जो हमारा ए बी की लंबाई कितना हो गया, ए बी की लंबाई 10 सेंटीमीटर हो गया। इस सब में क्या होता है कि आप जो बेसिक क्लास में पढ़े हैं कॉन्सेप्ट, वो कॉन्सेप्ट अगर रिलेशन याद रहता है तो आप क्वेश्चन को बना लेंगे। अगला भी देखिए उसी बेस पर है, अगर आपको रिलेशन पता है तो आप बना लीजिएगा इस क्वेश्चन को। देखिए क्या है कि दो जीवा एक दूसरे को वृत्त के अंदर काटती है, तो उसमें आपको रिलेशन बताए थे, वो रिलेशन से ही क्वेश्चन बनेगा, क्वेश्चन कहीं और से नहीं बनता है। क्या होता है उसमें कि ए पी आगुने पी बी, ए पी गुने पी बी बराबर होता है सी पी आगुने पी डी। इतना ही चीज तो बताए थे, रिलेशन जब ए है यार डी बार बार गड़बड़ा जाता है, डी हो जाएगा यहाँ पर। ए पी कितना दिया गया है, 6 दिया गया है, पी बी हमको निकालना है, मान लेते हैं एक्स है, हमसे पी बी पूछा गया है, सी पी 4 दे दिया गया है आगुना के,
पीडी कितना दे दिया गया, तो पीडी 5 दे दिया गया। इस हिसाब से अब क्या एक्स बराबर हमारा कितना हो जाएगा, 3 पूर्णांक 1 बटा 3 कितना सेंटीमीटर, मीटर जो देगा तो सेंटीमीटर में देगा सेंटीमीटर लिख देंगे और मीटर में देगा मीटर में लिख देंगे। चलिए इस तरह से इस क्वेश्चन को भी हम बना लिए हैं। अब अगले क्वेश्चन को लेकर के हम अगले क्लास में आएंगे, तब तक के लिए जय हिंद।